रेसिपी है वो है सूरत का फेमस कुंभाणिया भजिया। कुंभाणिया भजिया बनाने के लिए फर्स्ट हमें एक बाउल लेना है और उसमें ये जो हरा धनिया है कटा हुआ वो मैं डालूंगी। फिर उसमें ये जो लॉन्ग चिली आती है ग्रीन वो मैंने कट करके रखी है वो उसमें मैं डालूंगी। इसमें ये जो मिर्ची है वो ज्यादा जाती है उसमें, इसमें ज्यादा तीखापन नहीं होता है इसीलिए। साथ में एक कटा हुआ हरा लहसुन है वो इसमें मैं डाल रही हूँ। लहसुन को हमें ज्यादा बारीक नहीं काटना है, ऐसा थोड़ा सा मीडियम रखना है। अब उसमें ये जो कटी हुई पालक है वो थोड़ी सी मैं डालूं। इसमें जो पालक है वो हमें इतनी ज्यादा उसमें नहीं डालनी है जितना धनिया और जो ग्रीन गार्लिक है और वो मिर्ची है वो ज्यादा हमें डालनी है। अब ये जो मैंने क्रश किया हुआ अदरक है वो उसमें मैं डालूंगी। अब उसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। अब जो ये बेसन है हमारा वो उसमें मैं साथ में डाल दूंगी। वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कम ज्यादा। अब ये सारी चीजें मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। अगर इसमें लगे मुझे कि और बेसन थोड़ा जा सकता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके उसमें डाल सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी पहले से ज्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके। अब भजिया का जो बैटर है वो मैंने अच्छी तरह सब कुछ मिक्स कर लिया है। जो बैटर है वो ज्यादा पतला नहीं, ज्यादा गाढ़ा नहीं, ऐसा रखना। अब इस बैटर से मैं कुंभाणिया भजिया बनाऊंगी और अब मैं उसे फ्राई करूँ। अब हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है, अब उसमें मैं ये जो भजिया है वो फ्राई करूँगी। हमें ऐसे थोड़ा थोड़ा लेना है और ऐसे ऐसे हमें उसे निकालना है। इसे इसी तरह ही तला जाता है। अब हमारा जो ये भजिया है वो फ्राई होके रेडी है। इसका कलर हमें ऐसे ही रखना है, उसे ज़्यादा रेड कलर नहीं करना है। तो ये ग्रीन रहेगा तो ये अच्छा खाने में लगेगा। अब हमारा कुंभाणिया भजिया है वो सर्व करने के लिए रेडी है। उसे आप कांदे और नींबू के साथ सर्व कर सकते हैं और आप इमली की चटनी भी साथ में रख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।